जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 36 यानी 36 का जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए 36 नंबर का जो टेस्ट था उसका टॉपिक था रेसिफ्रेशन यानी कि श्वसन तंत्र, उसके बाद था परिसंचरण तंत्र, और उसके बाद जो था रक्त था जिसमें जो है ब्लड ग्रुप भी जो है शामिल है। इसमें जो है अभी तक जो है श्वसन तंत्र से जो है नहीं पूछा गया है, लेकिन संभावना है कि श्वसन तंत्र से जो है पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोविड महामारी के कारण जो है इसका इफेक्ट जो सबसे ज्यादा जो है श्वसन तंत्र पे हुआ था, जिसमें जो है फेफड़ा पर जो है डायरेक्ट जो है इसका जो है प्रभाव पड़ता था, इसलिए जो है पूछने की जो है संभावना जो है बन सकती है। इसलिए जो है श्वसन तंत्र को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बोल रहा है कि हृदय रोगियों को जो है कौन चीज जो है अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ पर बात उठ गया हृदय से, तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हृदय का भार कितना होता है। तो हृदय का भार कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। अगर बात करें कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो शंकु आकार होता है। किस आकार का? शंकु आकार का। और अगर यहीं पर पूछ दे कि यह जो है कहाँ रहता है, तो देखिए यह जो है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से जो है पसलियों के नीचे और जो है फेफड़ों के बीच में, कहाँ पर? तो पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में जो क्या रहता है, तो ढका रहता है। किस झिल्ली से? तो देखिए पेरिकार्डियम नामक जो है झिल्ली से, तो आपको ये भी याद रखना है। वही पूछ दे अगर हृदय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो देखिए हृदय का जो ऊपरी भाग होता है उसे जो है अलिंद कहा जाता है, और निचली भाग को जो है निलय कहा जाता है। और प्रत्येक अलिंद में जो है लेफ्ट और राइट जो है अलिंद होता है, कोष्ठक होता है। प्रत्येक निलय में भी जो है बायां एवं दायां जो है क्या रहता है, तो कोष्ठ रहता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि कितने टोटल हो गए, तो 4। अगर बात करें कि उभयचर में कितने कोष्ठ होते हैं यानी कि चैम्बर होते हैं, तो आपको याद रखना है उभयचर जितने भी जीव होते हैं उसमें जो 3 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी का मतलब वो हुआ वैसा जीवधारी जो है अपने दूध जो है बच्चे को पिलाता है, उसे जो स्तनधारी कहा जाता है। तो इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। वहीं पर अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हृदय की धड़कन को जो है ग्राफ पर जो हम किस जो है उपकरण के द्वारा जो है माप सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है ECG। क्या? तो ECG। और इसका फुल फॉर्म जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अगर पूछ दे कि क्वेश्चन हृदय जो है 1 मिनट में जो कितनी बार जो है धड़कता है, तो देखिए हृदय जो है 72 बार यानी कि 72 टाइम्स जो है ये जो क्या होता है, तो धड़कता है। और किस आवाज की तरह होता है ये सुनाई देता है, तो ये जो है लव डब की तरह जो है सुनाई देता है। अगर बात करें कि डॉक्टर जो है कैसे सुनता है, तो देखिए डॉक्टर जो इसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का जो है उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगर बोल दे कि औरत की धड़कन की गति कितनी होती है, तो 115 से 125 टाइम्स होती है। कितने? 115 से 125 बार तक जो है उसकी धड़कन होती है। अगर बात करते धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का, तो आपको यह भी याद रखना है कि पेसमेकर का जो है उपयोग किया जाता है। तो इतनी चीज जो है आपको जो है याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सार्वदाता यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब क्या हुआ, जो देने वाला, मतलब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड का ग्रुप है जो है किसी भी व्यक्ति को जो डाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ओ निगेटिव, ऑप्शन में डाला हुआ है ओ, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं ब्लड के ग्रुप की, तो देखिए रक्त के जो ग्रुप होते हैं उसे जो है 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और अगर पूछ दे कि किसके आधार पर जो इसे 4 भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर, एंटीजन ए और एंटीजन वी के आधार पर जो इसे जो है बांटा गया। अगर बोल रहे कि आखिर नाम क्या है, तो देखिए पहला नाम बताते हैं ब्लड का ग्रुप ए, क्या? तो ए, दूसरा बी, तीसरा जो है ए बी, इसी को मिला दिया है तो क्या हो गया ए बी, और चौथा जो होता है वो होता है ओ ग्रुप। अगर चारों की बात करें तो ए में जो है ए एंटीजन होता है, और बी में जो है बी एंटीजन होता है, और ए बी में जो है ए और बी दोनों एंटीजन होता है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप ओ की, तो इसमें एंटीजन नहीं होता है, और इसलिए जो है इसे जो सार्वदाता जो है ग्रुप कहा जाता है। यानी कि ये ब्लड का जो ग्रुप है आप जो किसी को भी है जो क्या कर सकते हैं, तो उसे जो है आप चढ़ा सकते हैं। और अगर बात करें कि ये जितने भी ब्लड ग्रुप है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसे जो है RH फैक्टर या जो है क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। RH फैक्टर
और क्रिसमस फैक्टर। अगर आपको पता लग रहा होगा कि भाई आरएच फैक्टर तो जानते हैं, अब ये क्रिसमस फैक्टर क्या हुआ, तो देखिए यह इसलिए क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन जो है क्रिसमस के ही दिन जो है ब्लड को जो है कलेक्ट किया गया था सर्वप्रथम, इसे जो है क्रिसमस फैक्टर के भी नाम से जो है जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कब इसे खोज किया गया था, तो देखिए आरएच फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। अगर बात करें कि यह खोज में जो है किस पर रिसर्च किया गया था, तो देखिए इसमें जो है रिसस नामक जो बंदर था उस पर जो है यह जो है प्रयोग किया गया था। और आपको यह भी याद रखना है जिस ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित रहता है उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और जिसमें जो है आरएच फैक्टर जो है उपस्थित नहीं रहता है उसे जो है निगेटिव कहा जाता है, आरएच निगेटिव कहा जाता है। अगर बात कर दे कि आखिर पॉजिटिव कितने लोग हैं, तो देखिए भारत में 95% लोग जो है पॉजिटिव है। देखिए अभी तो हम बात कर लिए कि यूनिवर्सल डोनर जो है ओ को कहा जाता है, वही अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता ग्रुप कौन है, तो ओ है। लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन है, तो देखिए आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ए बी प्लस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ए बी प्लस को कहा जाता है। और इसे जो है सबसे भूखा जो है ग्रुप माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यह जो ग्रुप है हर किसी से जो ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। वैसे अगर बात करें आम भाषा में, तो यह ग्रुप जो किसी को जो है चढ़ाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, सिर्फ लेने वाला यानी एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर का मतलब होता है यानी एक्सेप्ट करना। इसलिए आपको याद रखना कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है, तो ए बी प्लस ग्रुप है, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वो निगेटिव जो है ग्रुप है। तो आपको इतना भी याद रखना है। देखिए अगर प्रयोग के तौर पे बात करें, तो देखिए पॉजिटिव ब्लड को जो है निगेटिव में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन अगर बात करें निगेटिव को पॉजिटिव में आसानी से डाला जा सकता है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि 40 लाख लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वह जो है 40 लाख लोगों में जो है एक व्यक्ति में पाया जाता है। और मेन इम्पोर्टेंट है कि एक यूनिट ब्लड कितना होता है, तो देखिए एक यूनिट ब्लड का जो है मान होता है वो होता है 200 ml, कितना 200 ml। लेकिन यह जो है जब जमने लगता है तो इसका वेट क्या हो जाता है, 50 ml जो है और बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 ml भी हो सकता है ऑप्शन में और 250 ml भी हो सकता है। तो आपको जो है दोनों को जो आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर दे कि रक्त में जो कितना प्रतिशत जल होता है, तो आपको याद रखना है कि रक्त में जो 90% जल होता है, और अगर बात कर दे 10% फिर क्या होता है, तो देखिए 10% जो होता है वो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है। बोल रहा है कि रक्त दाब का जो मापने वाला यंत्र होता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर के बीच होता है। वहीं पर अगर पूछ देता है पीएच मान कितना होता है, तो आपको यह भी याद रखना है 7.4 होता है पीएच में रक्त का। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसे जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है, कि रोकथाम में जो है प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोबाल्ट 60। देखिए अगर बात कर दे कि यह आखिर ल्यूकेमिया जो है रक्त कैंसर जो है किसकी वजह से होता है, तो देखिए यह जो है WBC कि जो जब मात्रा जो शरीर में जो बढ़ जाती है, हमारे शरीर में क्या क्या रहते हैं, तो RBC और WBC दोनों रहते हैं, और दोनों की मात्रा जो है लिमिट संख्या में होनी चाहिए, और दोनों की मात्रा जो है लिमिट होनी चाहिए। लेकिन जब जो है WBC की जो है मात्रा जो बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, तो इससे जो ल्यूकेमिया की जो है बीमारी हो जाती है। तो आपको इतनी चीज़ भी जो है याद रखना है। आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को जो है ब्लड कैंसर हो गया है, तो उसी ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। देखिए अब जब लिम्फोसाइट का बात आ गई, तो आप लोग सोचते होंगे लिम्फोसाइट है क्या। देखिए लिम्फोसाइट की बात करें, तो यह जो है एक छोटा सा कोशिका होता है, और इसे ही जो है WBC कहा जाता है। अगर बात कर दें कि WBC का काम क्या है, तो देखिए WBC का काम है प्रतिरक्षा करना। प्रतिरक्षा मतलब क्या, तो एंटीबॉडी का जो है यह जो है निर्माण करता है। और अगर बात करें कि यह किस केस में जो है व्यक्ति को जो है ज़्यादा जो है डैमेज कर देता है, तो आपको यह भी याद रखना है कि एड्स जिस व्यक्ति को होगा उसको जो है यह जो है लिम्फोसाइट जो है ज़्यादा डैमेज करता है।
तो आपको यह भी याद रखना है। और अगर बात करें कि लिम्फोसाइट जो है किस चीज से बढ़ जाता है, तो यह जो वायरल इन्फेक्शन से जो है यह बढ़ने लगता है। तो इतने चीज जो आपको जो लिम्फोसाइट से संबंधित जो है याद रखना है। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन में जो है ऊर्जा जो उत्पादित होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एटीपी के रूप में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर श्वसन तंत्र है क्या, तो देखिए अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायता करता है क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। अगर बात करें कि आखिर यह श्वसन जो है यह कौन सी क्रिया है, तो यह जो है अपचायी क्रिया है, जिसे जो है ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगर बात करें कि इसमें जो है किस तरह जो है एटीपी का निर्माण होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है बॉडी टेम्परेचर पर जटिल भोज पदार्थ जो होता है क्या होता है, तो एंजाइमों के द्वारा जो अपघटित होता है, और उसके फलस्वरूप क्या करता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जो है ऊर्जा के रूप में जो है उष्मा जो है या कहे तो ऊर्जा जो है क्या करता है, तो उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो है क्या करता है श्वसन जो है, तो श्वसन जो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा को जो है उत्पादित कर देता है। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करता है। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड किसको जो सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करता है, तो किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो यह जो है डायरेक्ट जो है यह जो है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है, तो उसको जो है यह जो है डैमेज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फेफड़ा। देखिए अगर बात करें कि कैसे, तो देखिए श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, इतना तो आप जानते हैं अभी हम बताए थे, और उसके बाद जो है और उसी क्रिया में क्या होता है, तो जलवाष्प और जो है उष्मा की भी उत्पत्ति होती है, और यही उष्मा जो है जब शरीर में होगा तो क्या होगा, तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उस केस में क्या होता है, तो फेफड़ा ही जो है शरीर के टेम्परेचर को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब देखिए दसवां नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, बोल रहा है कि इसे जो है श्रेणी क्रम में जो है सजाइए, मतलब सीरीज के रूप में जो है इसे समाइए सजाइए। तो ऑप्शन में दिया हुआ क्या दिया, रक्त के द्वारा, फुफ्फस के द्वारा और ऊतक के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन का अभिगमन किससे होता है, तो फुफ्फुस धमनी से होता है, उसके बाद किससे होता है, तो रक्त के द्वारा, और उसके बाद जो है ऊतक के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दो एक और तीन। ग्यारहवां नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किसमें जो कोई परिवर्तन होता है, तो नाइट्रोजन में नहीं परिवर्तन होता है, कैसे, तो देखिए श्वसन जो क्रिया होता है उस श्वसन में जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है क्या होता है, श्वसन में जो है अंदर की ओर जाते हैं और फिर जो है उसे जो छोड़ा जाता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन को कितना प्रतिशत लिया जाता है, तो 21% लिया जाता है, लेकिन जब उसको जो वापस जो छोड़ते हैं तो कितना प्रतिशत छोड़ते हैं, तो 17% जो है छोड़ देते हैं, यानी कि इसमें जो है 4% की जो है कमी हो जाती है। अब देखिए आप बात कर लेते CO2 की, तो देखिए CO2 जो जब श्वसन की क्रिया में हो जाते हैं तो उसमें जो है 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाता है, और जब वो निकलता है तो कितना प्रतिशत लेके आता है, तो बढ़ोतरी के साथ कितना, तो 4.06% जो है CO2 को छोड़ देता है। और वहीं अगर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो 78% जो है श्वसन में यूज होता है, और फिर उसको जब जो है छोड़ा जाता है तो वह भी जो 78% ही निकलता है, तो आप ही बताइए कि यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, तो नाइट्रोजन होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाएगी, बोल रहा है कि जब रक्त की यानी कि खून में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो श्वास की गति क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है, सबसे पहले बात आप समझिए कि स्तनधारी कहा जाता है किसको, तो जो जो है दूध पिलाता है अपने बच्चों को, तो उसको जो है स्तनधारी कहा जाता है। तो अब वहीं पर आप ऑप्शन से चूज कीजिए कि स्तनधारियों में श्वसन होता है किससे होता है, तो देखिए सबसे पहले किससे होता है, तो हम बताए थे कि फुफ्फुस धमनी के द्वारा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। त्वचा से तो श्वसन नहीं होता है, श्वास नली भी से तो श्वसन होता है नहीं होता है, श्वास नली तो एक तो जरिया है सांस जाने का। अब देखिए कोलोम, कोलोम भी नहीं होता है, अगर बात करें कि फुफ्फुस होता कहाँ है, तो फेफड़ा में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना प्रतिशत होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्लाज्मा जो है किस तरह का घटक होता है, तो देखिए पीले रंग का होता है,
और इसके अगर रक्त की बात करें तो देखिए इसमें जो कुल रक्त का जो है प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है तो 55% होता है, और उस 55% में जो है लगभग जो है 91 से 92% क्या होता है उस प्लाज्मा में तो जल होता है, और जो है शेष भाग जो 8 से 9% क्या होता है तो दूसरा जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है, तो जल का प्रतिशत कितना होता है तो 91 से 92%, लेकिन ऑप्शन में है क्या तो 90% है लगभग में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन घुमा दिया रहा था कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं प्लाज्मा में तो क्या आपको आंसर देना था, तो देखिए वहां पर आपको आंसर देना था 8 से 9% जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संचरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है, मतलब बोलता है कि हृदय में जब जो है रक्त का जो संचरण करती है उस धमनी को क्या नाम से जाना जाता है, तो उस धमनी को जो है हृदय धमनी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि हृदय में जो है कितने कोष्ठ होते हैं तो देखिए हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं। अब कोई से तो देखिए एक तो बताए थे कि ऊपर वाले को जो है अलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है तो निलय कहा जाता है, और लेफ्ट हुआ और एक हुआ राइट हुआ तो क्या हो गया तो 2 ऊपर हो गया और 2 जो है नीचे होगी नीचे होगी। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, WBC का तथा RBC का विनाश होता है किसमें होता है, तो देखिए WBC का बनना मतलब WBC जो बनता है और RBC जो विनाश होता है वो किसमें होता है तो पलिहा में होता है, किसमें पलिहा में। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर जो है RBC का जीवन काल कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया कि RBC का जीवन काल कितना होता है, लाइफ पीरियड क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि RBC का लाइफ पीरियड कितना होता है जीवन काल, तो इसका आंसर आपको देना है 120 दिन होता है, उसके बाद जो क्या होता है स्वतः जो है विनाश हो जाता है। तो कहाँ पर विनाश होता है तो यह जो है पिलिया में ही जो विनाश हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो आपको ही हम बताए थे क्या बताए थे कि WBC जब बढ़ता है तो क्या होता है ल्यूकेमिया होता है, यानी कि ब्लड कैंसर होता है, और WBC के बढ़ने से क्या होता है तो ब्लड कैंसर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में दिया हुआ ल्यूकेमिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ल्यूकेमिया। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, मतलब बोल रहा है कि RBC जो है कहाँ बनती है तो यह जो अस्थि मज्जा में बनती है। वहीं पर अगर बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग जो है कितने दिन तक जो है यह जो है प्रसारित रहती है, तो आपको याद रखना यह जो है 120 दिन तक रहती है RBC, हम बताए थे अभी तुरंत बताए थे कि कितने दिन इसका लाइफ पीरियड है तो 120 दिन है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है, तो देखिए मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है तो रक्त में प्रोटीन जो मानव रक्त की श्यानता का जो है कारण है। क्यों तो देखिए मानव रक्त की श्यानता जो है वह जो है प्लाज्मा में प्रोटीन और जो है रक्त में लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC का जो है मात्रा जो है उस पर जो है निर्भर करता है। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो किसके द्वारा होता है तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो होता है, और अगर बात करें लिम्फोसाइट की तो हम बताए थे क्या करता है यह जो है यह जो एंटीबॉडी जो है यह तो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स है, यह जो रक्षा करता है और हमारी प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है बढ़ाता है, यानी कि विषैले पदार्थ को क्या करता है नष्ट कर देता है। तो देखिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो देखिए WBC जो है संक्रमण से जो है रक्षा करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रतिरोधी क्षमता को कौन बढ़ाता है तो RBC, और संक्रमण की से रक्षा कौन करता है तो WBC, और WBC के कारण क्या होता है ल्यूकेमिया होता है, यह भी आपको जो याद रखना है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है, तो कितना होता है तो 7.4 होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है लगभग में है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त जो है ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो देखिए आपको याद रखना है कि जब जो है ए होगा पिता का और ओ होगा माता, तो उससे जो संतान निकलेगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वह क्या होगा तो ए होगा या फिर ओ होगा। ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आपको कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ग्रुप ओ है तो कौन सा ग्रुप जो है बच्चे में जो है नहीं होगा, तो आपको क्या आंसर देना बी और ए बी, कौन चीज बी और ए बी, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको अब बना सकता है। देखिए अब बात कर लेते हैं सारे इसी विषय पर कि अगर जो है पिता का और माता का सेम ब्लड ग्रुप होगा तो या तो उसका बच्चा का ग्रुप का जो होगा तो उसके बच्चा का जो ग्रुप होगा वो होगा ए या फिर हो सकता है ओ होगा, अगर जो है पिता जो है
ए है और माता जो है बी है, तो उसके बच्चे का ग्रुप जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे जो है ए या फिर बी या फिर ए बी हो सकता है। देखिए अगर पिता का भी ब्लड ग्रुप बी है और माता का भी ब्लड ग्रुप बी है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगा उसका ब्लड ग्रुप जो है बी होगा या फिर जो है ओ होगा। अगर जो है पिता का ब्लड ग्रुप बी है और जो है माता का ग्रुप जो है ए बी है तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी उसमें जो है ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी होगा। और अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का जो ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी होगा या फिर ओ होगा। और अगर पिता का ग्रुप ए बी है और जो माता का ग्रुप ए बी है दोनों का सेम तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी उसका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी होगा। और देखिए अगर पिता का ग्रुप ए बी है और माता का ग्रुप जो है ओ है तो संतान का ग्रुप क्या होगा ए होगा या फिर जो है बी होगा। और अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ ओ है क्या है तो दोनों का ग्रुप ओ है तो उससे जो संतान होगा वो सिर्फ जो है ओ ही होगा। और आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर क्या कहलाता है तो ओ ग्रुप कहलाता है और ए बी जो है ग्रुप कौन सा कहलाता है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में जो है याद रखना है। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है रक्त समूहों की खोज किसने की थी तो हम शुरू में ही बताए थे कि लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त ग्रुप जो उसे दिया जा सकता है। तो हम क्या बताए थे कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप जो कि सभी को दे सकता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो कि जो है सिर्फ ले सकता है दे नहीं सकता है। तो आप ही बताइए कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप यूज होगा तो यूनिवर्सल डोनर होगा। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है तो ओ ग्रुप होता है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा ओ निगेटिव। देखिए अगर ऑप्शन में ओ होगा तो ओ होगा लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दे दे तब क्या करना है तो देखिए यूनिवर्सल डोनर ग्रुप जो होता है उसका जो मान होता है वो उसका होता है ओ निगेटिव होता है तो आपको यह भी याद रखना है। देखिए अब 26 नंबर का क्वेश्चन है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि मतलब क्या बोला है कि ए बी जो रक्त वाला है वो जो है कभी कभी जो सभी का जो है ब्लड ग्रुप ले लेता है तो उसका मतलब बोला है क्यों लेता है तो देखिए उसके जो रक्त में जो क्या होता है तो एंटीबॉडी जो होता है वो क्या होता है अभाव होता है इसलिए जो वो जो है ले लेता है। देखिए अब 27 नंबर का क्वेश्चन है वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग होगा क्या होगा तो उसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। देखिए क्योंकि ए बी जो रक्त समूह वाला जो आदमी है वो जो है किसी भी व्यक्ति का जो है ग्रुप जो है ले सकता है लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, इसमें ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर देना चाहिए था कि मोर देना चाहिए था मोर देन वन तो वो तो है नहीं तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इनमें से जो है कोई नहीं। क्या 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है मतलब बोल रहे हैं हमारे शरीर का रक्त का दाब हमारे शरीर का नहीं बोल रहा रक्त का दाब बोल रहा है क्या होता है तो देखिए वह जो वायुमंडलीय दाब से भी जो है अधिक होता है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जिसे जो कहते ब्लड प्रेशर कहा जाता है वो कितना होता है तो आपको भी पता होगा कि 80 से लेकर 120 के बीच में जो है होना चाहिए तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा था इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर बात कर दे कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है ब्लड प्रेशर को तो आपको यह भी याद रखना है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है इसे जो है मापा जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है तो देखिए हमारे शरीर में लाल रंग जो है किसके कारण होता है आरबीसी तो देखिए यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है तो आपको यह भी याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण जो है होता है। अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है तो यह क्या करता है ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है यानी कि ऑक्सीजन को जो पहुंचाता है कहाँ पहुंचाता है तो सारे शरीर में जो ऑक्सीजन को जो है पहुंचाता है। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है रक्त होता है बोल रहा है कि रक्त क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त जो चिपचिपा होता है लाल रंग का द्रव होता है और जो जीवित ऊतक होता है तो यानी कि ऊतक होता है तो इसे जो हम कह सकते हैं कि यह एक संयोजी ऊतक भी है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा एक संयोजी ऊतक। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो हम तभी से ही बता रहे हैं कि हृदय में जो है चार कक्ष होते हैं लेफ्ट नीलय राइट नीलय और राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद तो कितना हो गया तो चार हो गया। अगर वहीं पर पूछ देता कि हमारे शरीर में जो है हृदय जो कितने बार जो है एक दिन में धड़कता है
तो देखिए आपको याद रखना है 1,00,000 बार जो एक दिन में लगभग जो है धड़कता है, प्रति मिनट कितना, तो 72 से 75 बार, यह भी जो आपको याद रखना है। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है हृदयाघात से जो संबंधित नहीं है। तो देखिए सीने में जब भी दर्द होगा, पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट इत्यादि जो होगा, तो उस समय जो है यह जो लक्षण जो है किसका लक्षण है, यह जो है हृदयाघात का जो लक्षण है। जबकि टांगों में दर्द जो है यह जो है हृदयाघात का लक्षण नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो आपको बताया 72 से 75 बार धड़कता है, और बात करें 1 मिनट में कितना जो है जो रक्त को जो पंप करता है, तो 5 से 6 लीटर रुधिर को जो है यानी कि ब्लड को जो है जो पंप कर देता है। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव के हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। बोला कि कहाँ प्रत्यारोपित किया गया था सर्वप्रथम, तो देखिए यह जो दक्षिण अफ्रीका में जो सर्वप्रथम जो प्रत्यारोपण किया गया था, और अगर बात करें कि कब किया गया था, 3 जनवरी 1967 को जो है सबसे पहले जो हृदय का जो प्रत्यारोपण किया गया था। तो जितने भी क्वेश्चन थे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त और रक्त के ग्रुप से सारे को जो इसमें जो डिस्कस कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में। टेक केयर।